खाद के लिए मारामारी इस कदर बढ़ गई है कि अब किसान कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तहसील टहरौली के अंतर्गत आने वाले भसने गांव के किसानों को खाद लेने के लिए घंटों लाइन में लगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी खाद उन्हें नहीं मिल पा रही। किसानों को चिंता सताने लगी है कि इस वर्ष रबी की फसल की समय पर बुआई कैसे कर पाएंगे। दरअसल यहाँ कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्र से किसान प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचारी के चलते पात्र किसानों को खाद का लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों का आरोप है कि कर्मचारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिससे किसानों को लाइन में लगने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं होती। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी फसल खराब हो जाएगी, जिससे किसान दाने दाने को मजबूर हो जाएंगे। खाद न मिलने से किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस समय किसानों की दुर्दशा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले चुनावी नेता व बड़े बड़े अधिकारी भी खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे नियम कायदा नहीं है, यहाँ जैसी सोसाइटी जो जो भी सचिव है या नहीं। यहाँ पर खाद के लिए आप कितने बजे से बैठे हुए हैं? यहाँ भाई साहब हमारे 3:45 है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बड़वार के। बड़वार के रहने वाले हैं। हाँ। तो आपको कब आपने अपने कागज और पैसे कब जमा करे थे? परसों गाड़ी आई थी ना। हाँ। परसों दिए थे पैसे और तो बोले बचा नहीं है और पैसा, बोले बापू ले जाओ और जो है खाद नहीं मिलेगा, बचा नहीं है, खाद नहीं बचा। हाँ। और आज बात हुई, आज क्या बोल रहे थे आपसे? आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, सुबह के बैठे 6 बजे के। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अर्पित शर्मा के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।